देव प्रकाश मधुकर हाथरस का ही रहने वाला है। सिकंदरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दामादपुरा न्यू कॉलोनी में उसका घर है। घटना के बाद से वो अपने पूरे परिवार के साथ फरार था। जिस सत्संग में यह हादसा हुआ उसका मुख्य आयोजनकर्ता यही था। यूपी पुलिस ने देर शाम मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। ₹25,000 से 1,00,000 इस तरह बढ़ती गई मधुकर पर इनामी राशि। बता दें कि पहले जिला स्तर से एसीपी ने सबसे पहले 25,000 का इनाम घोषित किया था। इसकी रिपोर्ट रेंज स्तर आईसी स्तर से 50,000 का इनाम घोषित किया और बता दें कि फिर उसकी रिपोर्ट मुख्यालय पर जाने से वहां 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ था। 1,00,000 इनामी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार। बता दें कि 5 जुलाई को मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी यूपी पुलिस के द्वारा दिल्ली से की गई है। हाथरस भगदड़ के बाद मुख्य आरोपी के ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया था। 6 जुलाई के बाद मधुकर की पेशी हाथरस अदालत में होगी। बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा मऊ के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 भक्तों की मौत हो गई। इनमें 112 महिला, 2 पुरुष, 6 बच्चे, 1 बच्ची हैं। बता दें कि सभी शवों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपको बता दें कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये थी आरोपी मधुकर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।